देखो यहाँ की इलेक्ट्रिक बस ऐसे चलती है, बैटरी पावर्ड नहीं होती है डायरेक्ट, ये देखो तार लग के। आज तो बस में बिल्कुल इंडिया की जो प्राइवेट बसेस होती हैं उस जैसा माहौल हो गया। आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का यहाँ का ऑफिशियल टेम्परेचर है -13 डिग्री सेल्सियस और आज हमें जाना है हॉस्पिटल, लेकिन आज दूसरे हॉस्पिटल जाना है जो कि हम जिसमें हमारी ड्यूटी वगैरह है उसमें नहीं जाएंगे। आज हम एज पेशेंट जा रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ रूटीन चेकअप्स होते हैं, बॉडी चेकअप्स, वो सब करवा के आने हैं। चलो निकलते हैं, आज मज़े लेते हैं पूरे दिन में। और हमेशा की तरह ये है माहौल, अभी यहाँ पे स्नोफॉल हो रही थी, धीरे धीरे अभी बंद हो गई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अब भी हो रही है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है, कभी भी स्नो पड़ सकती है। और ये देखो यहाँ रास्ता, रोड, गाड़ियों के टायर्स दिख रहे हैं, लेकिन अभी अभी स्नो हुई है तो ये सब कवर हो गए हैं। यहाँ के कबूतर देखो, ये यहाँ पे सरवाइव कर लेते हैं इतनी सर्दी में, -20-25 उसमें भी घूमते रहते हैं। और ये हमारा बर्फीला रास्ता जिसमें से होके हम अपने घर से डेली निकलते हैं। और अभी स्नो की वजह से और मस्त लग रहा है ये, क्योंकि अभी नई नई बर्फ पड़ी है यहाँ पे। तो ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये है हमारा हॉस्पिटल, ये सारी बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। बर्फ़ की वजह से कितने मस्त लग रहे हैं। आज पहली बार, दूसरी बार हो रहा है जब से हम आए हैं इधर कि अभी हम पेशेंट हैं यहाँ पे। ये देखो ये क्लिनिक है। आज हम डॉक्टर बन के नहीं आए, आज हम आए हैं पेशेंट बन के। और अभी हमें एक दो तीन बिल्डिंग हैं जिनमें जाना है, अपने चेकअप वगैरह करवाने हैं जो कि हमारे रूटीन चेकअप होते हैं। ये रास्ते, ये यहाँ के रास्ते बनाए हैं हम लोगों के निकलने के लिए, गाड़ियाँ निकलने के लिए। कितने प्यारे लग रहे हैं ये पूरा, जितना भी सामने बिल्डिंग दिख रही है ये हॉस्पिटल है। और ये जो बिना कलर वाली है ये है मेन हॉस्पिटल, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड काम होते हैं। पार्किंग एरिया यहाँ का, सर्दियों में बहुत मज़ा आता है इधर, बर्फ़ की वजह से बहुत अच्छा लगता है। चलो अभी मुझे इस वाली बिल्डिंग में जाना है क्योंकि मुझे कुछ टेस्ट थे वो मैं करवाए हैं दूसरी बिल्डिंग में, अब डॉक्यूमेंटेशन होगी वो इसमें होगी, तो चलता हूँ इसमें अंदर। हॉस्पिटल्स वगैरह या जहाँ भी कोई भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं जहाँ पर मैं जाता हूँ, उनके जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको अंदर की वीडियोस नहीं मिल पाती हैं। मुझे पता है कि जब भी मैं कहीं नई जगह जाता हूँ, कोई बिल्डिंग होती है इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, तो अंदर की जो भी फुटेज होती है, जो वीडियो होती है वो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम नए हैं, हमें लैंग्वेज वगैरह नहीं आती है। और जब कभी मॉल वगैरह जाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो होती हैं, जैसे हमें हॉस्पिटल्स में जाना है या फिर वीज़ा वगैरह का कोई काम करवाना है, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ कि उसके अंदर की वीडियोज़ वगैरह ली जाएँ। क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है, उसमें है कि अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बाहर नहीं जानी चाहिए गलती से उसकी वीडियो वगैरह ले लें तो फिर हमें बहुत सारी तकलीफ़ हो सकती है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है हमारे लिए स्पेशली, जो कि हम बाहर के लोग हैं, फॉरेन सिटीजन्स हैं, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ एंड आई एम सॉरी फॉर दिस कि मेरे व्लॉग्स में इम्पोर्टेंट जगह की अंदर की वीडियोज़ नहीं आ पाती हैं। तो ये वार्निंग है एक हमारे लिए, वरना मैं कोशिश करूँगा जो अच्छी अच्छी जगह हैं उनके अंदर की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। सारे काम करवा के, जितने भी काम थे हॉस्पिटल के सारे काम हमने करवा लिए और समय से हो गए। मेरे ईशान का थोड़ा एक काम रह गया, तो वो रह गया पीछे, उसके एक स्टॉम्प लगना बाकी है। तो अब थोड़ा सा 5 मिनट पैदल चल के हमें जाना है बस स्टॉप के पास। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बैरियर्स वगैरह की वजह से हॉस्पिटल तक कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ पाती, तो चलने के बाद फिर पकड़ता हूँ बस, वहाँ से निकलूँगा। मुझे अभी अपने वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देने हैं, निकलते हैं यहाँ से, बस मिल जाए बस, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह के लिए कुछ स्पेसिफिक बसेस ही हैं, हर बस नहीं आती है, तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा वेट करना पड़ जाए। चलो मैं पहुँचने वाला ही बस स्टॉप पर, देखता हूँ बैठ के यहाँ पर बस आ जाए, तो फिर निकलते हैं अपने दूसरे काम के लिए। ये आ गया बस स्टॉप हमारा, और यहाँ अभी तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, यहाँ इन लोगों के हिसाब से तो नॉर्मल है, तो यहाँ पर भी बहुत चहल पहल होने लग गई है क्योंकि अभी जनवरी का एंड है, तो टेम्परेचर गिरता ही जाएगा फरवरी मार्च में। देखो
चलो यहाँ पे बस पकड़ते हैं अपनी, देखते हैं कौन से नंबर की बस है, फिर निकलेंगे यहाँ से। ये देखो यहाँ की इलेक्ट्रिक बस ऐसे चलती हैं, बैटरी पावर्ड नहीं होती हैं, डायरेक्ट ये देखो तार लग के और ऐसे चलती हैं ये। चलो आ गई बस हमारी, चलते हैं इसमें। दिन के सारे काम बहुत बढ़िया तरह अच्छी तरह हो गए और थोड़ी सी भूख भी लगी थी मुझे तो, एज ऑलवेज अगर मैं घर से बाहर आया हूँ तो मैं भूख लगी आती है तो थोड़ा बहुत कुछ खा के, यहाँ का ही हमारे इंडिया जैसा कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पर, तो यहाँ का जो भी बर्गर वगैरह कुछ खा के अभी मैं हो चुका हूँ फ्री। यहाँ से चलता हूँ बस स्टैंड के लिए, फिर उसके बाद अगर कुछ नया नहीं होता है तो आज की डेस्टिनेशन होगी घर। देखते हैं क्या होता है रास्ते में नया, अभी तो पहले पहुँचते हैं बस स्टैंड पर, तो बस मिल जाए अपनी। आज तो बस में बिल्कुल इंडिया की जो प्राइवेट बसेस होती हैं उस जैसा माहौल हो गया, आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी जिस बस में हम आते हैं घर पे, उससे इसीलिए जब मैं बस स्टैंड पे खड़ा हुआ था तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जिस जिस बस स्टैंड पे बस जाती थी बस कोई उतर नहीं रहा, बस सब चढ़ ही रहे। बहुत ज़्यादा माहौल वैसा हो गया था, बिल्कुल मुझे लग रहा था आज इंडिया में आ गए। और अभी टेम्परेचर वगैरह डाउन भी है तो लोग घर से बहुत ज़्यादा लोग निकल भी रहे हैं, तो प्रॉपर अभी इंडिया जैसा फील आ रहा है। यहाँ पे बर्फ़ को छोड़ दें तो बर्फ़ तो आपको पता ही है कि बहुत अच्छी लगती है, तो ओवरऑल यहाँ पे जो भी अभी चल रहा है वो बहुत मस्त चल रहा है। तो मैं अभी घर के सबसे पास वाले बस स्टैंड पे उतर चुका हूँ और अभी आज का व्लॉग यहीं तक था, आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल नाउ, और आज का दिन बहुत फंटास्टिक रहा, अच्छा रहा, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, वरना तो पूरे दिन में कुछ ना कुछ हो ही जाता है हमारे साथ गलत, तो ये अच्छा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे, डेफिनेटली कुछ अच्छा लेके, कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय एंड टेक योर केयर।